आज हम बना रहे हैं आंवले की खट्टी मीठी लौंजी। ये जो लौंजी है पूरा 1 महीने वाली चटनी है। आइए आगे देखते हैं हम लौंजी कैसे बनाएंगे। हमारा पहला स्टेप है आंवले सेलेक्ट करना। हमने 1 किलो आंवले लिए और आंवले हमने बड़े साइज के लिए हैं। उनको देख लिया हमने, इनमें दाग वाग तो नहीं लगे हुए हैं। सबसे पहले हम आंवले को हम स्टीम बॉयल करेंगे। इसके लिए मैंने स्टीमर लिया और इसमें उबलते पानी में इस तरह से हमने बड़े बड़े आंवले रखे और करीब 10 से 12 मिनट हमने उबाले। उबालने से देखेंगे हम ये सारे आंवले अपना फट जाते हैं। तो समझ लीजिए आंवले हमारे उबल के तैयार हो गए हैं। अब हम आंवले को डीसीड कर लेंगे, इनके बीज निकाल लेंगे। बीज निकालने के लिए बहुत आसान है। ये देखिए जहाँ पे निशान है वहीं पे हमने चाकू से इसको दबाना है और वहाँ से आराम से ये फांकों में कट जाएगा और बीज निकाल देंगे। ये हमारे आंवले तैयार हैं अब खट्टी मीठी लौंजी बनाने के लिए। सबसे पहले फ्राइंग पैन लिया और उस पर 8-10 दाने डाले काली मिर्च के। फिर जीरा डाला 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच। इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में लिया और इसको दरदरा पीस लेंगे। दरदरा पीसने के बाद इसको मैं वापस फ्राइंग पैन में डालूंगा। हमने जो कुकिंग करनी है मीडियम आंच पर करनी है। अब इसमें मैं गुड़ मिलाऊंगा करीब 200 ग्राम और 200 ग्राम ही हम ये उबले हुए आंवले लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम मिलाएंगे इसमें किशमिश 1 मुट्ठी, स्लाइस्ड खजूर 1 खजूर को स्लाइस किया, फ्रेश जिंजर स्लाइस करके, नटमेग पाउडर 1 चम्मच, हींग 1/4 चम्मच, मेथी पाउडर 1 चम्मच, टर्मरिक पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, 4-5 लौंग और जो हम सादा नमक लेते हैं 1 चम्मच, काला नमक 1 चम्मच। अब इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। इसमें डालिए हमने रोस्टेड साबुत लाल मिर्च और काली मिर्च का पाउडर। इसमें हम 2 चम्मच नींबू का रस मिलाएंगे जिससे कि ये क्रिस्टलाइज ना हो और इसको अब हम तेजी तेजी पकाते रहेंगे। ये आंवले की लौंजी बनाने का सही तरीका है और इस तरह से बनाएंगे तो ये लौंजी 1 महीने तक चलने वाली है। ध्यान रहे हमने इसमें पानी नहीं मिलाना है और इसको तब तक पकाएं जब तक ये आपको लगे कि तैयार हो गई है। मैंने पिछली वीडियो में बोला था आपको कि 1 दिन में 1 आंवले से ज़्यादा नहीं खाना है। वो इसलिए बोला था क्योंकि आंवला जो है एसिडिक नेचर का होता है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आपने 1 से ज़्यादा आंवला खा लिया तो आपकी यह प्रॉब्लम उभर के आएगी। ये देखिए हमारी आंवले की लौंजी तैयार। क्या आपको ये रेसिपी पसंद आई है? अगर हाँ तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको साझा करें। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।